लाइट के इंट्रोडक्शन के बाद अब आपका जो पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आंसर है, ये वही फिनोमेना है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को अपने चारों तरफ देख पा रहा हूँ। यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है, उस एलईडी से लाइट आ रही है इस माइक पर। आप ध्यान से देखो, उस एलईडी से एक लाइट आ रही है इस माइक पर, और ये माइक क्या आप देख पा रहे हो? तो आंसर है, आप देख पा रहे हो। कैसे? लाइट आ रही है इस माइक पर आ रही है, और ये माइक उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करके वो आपकी आइज़ में जा रही है, और आपकी आइज़ में एक इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब मैं इसके सामने यहाँ पर ऐसे हाथ रख रहा हूँ, इस तरह से हाथ रख लेता हूँ, क्या अब आपको माइक दिखाई दे रहा है? तो आंसर है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपको हाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लाइट आ रही है तो अब इस हाथ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुँच रही है ना, तो अब आपको हाथ दिखाई दे रहा है। तो आपकी आइज उसी चीज़ की इमेज बनाती है जहाँ से लाइट आपके पास आ रही है। ये आपकी आइज की खासियत है। आपकी आई की क्या खासियत है? खास बात उसके अंदर ये है कि जहाँ से लाइट आएगी वो उसी चीज़ को दिखाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, क्या आप इसको देख पा रहे हो? तो आंसर है हाँ। अभी आप इसको इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो यहाँ पर टकराती है, इसकी सरफेस पर टकराती है, और सरफेस से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज में जा रही है, और आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है ये? अब इसके सामने अगर मैं अपना हाथ रख देता हूँ तो क्या होगा? अब आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो अब मेरे हाथ से आपके पास पहुँच रही है, तो आई वही चीज़ दिखाएगी जो जहाँ से लाइट आ रही है उस चीज़ को दिखाने लग जाती है। तो यही जो फिनोमिना है कि लाइट का आना, सरफेस पर टकराना, और टकराकर वापस चले जाना। वापस चले जाना मतलब कहीं चले जाना, जिस मीडियम से वो आ रही थी वहीं वापस चले जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है? एयर से टकराई, और टकराने के बाद वापस कहाँ चली गई? एयर में। तो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चले जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, आना और वापस जाना क्या कहलाएगा? बाउंस कर गई, बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम जहां से वो आ रही थी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब आपके रूम में जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो वो सब की सब इसी टाइम आप देखो ध्यान से, तो वो क्या कर रही हैं? आपके रूम में जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वहां से वहां जाती है, वो लाइट आती है उसके ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करके और फिर उसी मीडियम में वापस भेज देता है। तो जब भी किसी लाइट का किसी सरफेस से टकराना और टकराकर उसी मीडियम में वापस चले जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरह से हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। उनमें से एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि सोर्स से क्या हो रहा था, जो लाइट आ रही थी वो लाइट इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकरा रही है, ये यहाँ पर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद ये सब की सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली जो रे हैं ये हमारी इंसिडेंट रे हैं। कौन सी रे हैं? इंसिडेंट रे, जो स्टार्टिंग में आ रही थी सोर्स से, उन्हें हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, ये हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस से ये टकराई और टकराने के बाद ये वापस उसी मीडियम में चली गई, ये एयर से आ रही थी और एयर में ही वापस चली गई, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो गया। लेकिन खास बात ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे थी ये सब की सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये सब की सब पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रे एक ही डायरेक्शन में जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली देखने को मिलते हैं मिरर में। कहाँ पर मिलते हैं? मिरर में। तो जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं उन प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि वहाँ से जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो टकराकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, जितनी भी रे होंगी वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, उनको हम प्लेन मिरर कहते हैं। और सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर होता है जो कि स्मूथ सरफेस जिसकी होती है और बेल पॉलिश्ड जो जितने भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेल पॉलिश्ड बेल स्मूथ सरफेस वाले जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इसी तरह के रिफ्लेक्शन रहेंगे। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर सिल्वर होता है,
सिल्वर से जो सिल्वर की सरफेस से जो आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों को, तो वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। दूसरे टाइप के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो होते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये रे आ रही हैं, इन रे को आप ध्यान से देखो कि इंसिडेंट रे तो हमारी एक ही डायरेक्शन से आ रही है, एक सोर्स से आ रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन आप ध्यान से देखोगे तो ये सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। ये वाली रे इधर जा रही है, ये वाली रे इधर जा रही है, ये वाली रे इधर जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना? ये बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, तो अब हमारे रूम में सर जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर है या इरेगुलर है? तो आंसर है कि ये इरेगुलर है। जितना भी रिफ्लेक्शन आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, अगर प्लेन मिरर नहीं है आपके रूम में इस टाइम, प्लेन मिरर की बातें छोड़ दें, तो जितने भी रिफ्लेक्शन आप चारों तरफ देख रहे हो वो सब के सब कैसे हैं, इरेगुलर हैं। कैसे हैं? इरेगुलर। इस बात का क्या मतलब है, हमें कैसे पता चलेगा कि इरेगुलर हैं? तो आंसर है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पर क्या रखा होगा, एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो हमारी आईज कहाँ पर होनी चाहिए? तो आंसर है यहाँ पर होनी चाहिए। हमारी जो आईज होंगी वो यहाँ पर होंगी, है ना? ये आईज होगी हमारी। अब इस ये सोर्स ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आई और इस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की और ये लाइट हमारे आईज में गई, और हमने पढ़ा है कि जब ये जो आईज में जब जाएंगी तो आईज इनको इस ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से देख पाएगी, क्योंकि यहीं से तो लाइट आ रही है, तो आईज क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को देख लेगी, ठीक है? अच्छा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों आपसे एक बात कि ये आई यहाँ पर है तभी तो देख पा रही है। अगर ये आई यहाँ पर हो तो, अगर ये मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये आई अगर यहाँ पर होती तो देख पाती क्या? तो आंसर नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि ये रे तो इधर जा रही है ना और आई यहाँ पर है, तो क्या ये देख पाएगा? तो आंसर है नो। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ होगा तभी देख पाएगा इनको, क्योंकि यहाँ से ये रे तभी ऑब्जर्वर की आईज में जाएंगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा तो ये रे तो ऐसी जा रही है, उसको दिखाई उसकी आईज में जाएंगी नहीं, तो इमेज बनेगी नहीं, है ना? लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या खास बात है कि इरेगुलर के केस में जब ये, तो मैंने आपके सामने तीन रे बनाई है, ऐसी तो बहुत सारी रे होती होंगी, तो बहुत सारी रे में क्या होगा कि कोई रे इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसे बहुत सारी होती होंगी। तो अब ऑब्जर्वर चाहे यहाँ पर हो, चाहे ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, चाहे ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से भी देखा जा सकता होगा, यहाँ से भी देखा जा सकता होगा और यहाँ से भी देखा जा सकता होगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इधर भी जा रही होगी, कोई उधर जा रही होगी, कोई उधर जा रही होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होंगी, है ना? तो ऑब्जर्वर कहीं से भी देख सकता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो आप मेरे रूम में अगर सामने आके खड़े होगे तो आप मुझे देख पाओगे? तो आंसर आप देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही होगी वो आने के बाद मेरे से, मेरी बॉडी से टकराने के बाद एक रे तो ऐसी जा रही होगी, तो आप वहाँ खड़े हो तो आपको वहाँ दिखाई देगा, लेकिन आप वहाँ से इधर पहुँच गए तो वहाँ से खड़े हो गए, आप क्या मुझे देख पा रहे हो? तो आंसर हाँ, वो मुझे देख पा रहे हैं। तो वो मुझे क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जो लाइट आई उसमें से एक रे तो इधर जा रही थी रिफ्लेक्ट होके, लेकिन एक उधर भी जा रही थी, तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ भी मुझे देख पा रहा है। जो यहाँ पर खड़ा है, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? तो वो भी मुझे देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आई थी वो यहाँ से टकरा कर इधर भी जा रही है। तो वो इसलिए, क्योंकि अगर ये हर तरफ जा रही है, इसका मतलब मेरे से टकराने के बाद अगर हर तरफ जा रही है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कैसे कर रही है मेरी बॉडी? तो आंसर है इरेगुलर। कैसे कर रही है? इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर तो वो होते हैं जो इनमें सेम डायरेक्शन में जाए, जिसमें कैसे जाए, सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है? और जो कि सेम डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको मिरर का दिया कि मिरर के आप सामने खड़े होगे तभी इमेज दिखाई देगी आपको, मिरर से इधर खड़े होगे तो आपकी इमेज वहां पर दिखेगी नहीं, है ना? हमेशा जब भी आपको, जब भी आप जाते हो तो मिरर के सामने ही तो खड़े होते हो, तभी तो आपको दिखाई देता है। क्या आपको कहीं से भी मिरर दिख जाता है, मिरर में आप दिख जाते हो? तो आंसर है नो, हमें मिरर के सामने खड़ा होना था तभी हम देख पाते हैं उसको, है ना? मिरर से हम इधर उधर चले जाते हैं तो हम अपने आप को मिरर में नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब मिरर जो होता है वो कैसे रिफ्लेक्शन देता है? तो आंसर है रेगुलर। और हमारे रूम में जो हम सब रिफ्लेक्शन करते हैं वो सब कैसे होते हैं? इरेगुलर। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, ओके, सबसे पहले तो मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, ओके, ये मैंने एक सरफेस बनाई है,
अब इस सरफेस के सामने यहां पर कहीं कोई एक सोर्स है, सोर्स जिससे लाइट ली जाएगी। अब उस सोर्स से लाइट जब निकलेगी तो कितनी रे निकलेंगी? तो आंसर है उस सोर्स से इनफाइनाइट रे निकलेंगी। कितनी? इनफाइनाइट रे, बहुत सारी रे निकल रही होंगी, इससे इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारी तरफ निकल रही होंगी। अब उन रे में से हम सिर्फ एक रे की स्टडी करेंगे। अब इनफाइनाइट रे की स्टडी तो कर नहीं पाएंगे, तो उनमें से हम सिर्फ एक रे की स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहां से इस सोर्स से एक रे लेकर आता हूं इस सरफेस पर, ठीक है, इस सरफेस पर मैं एक रे लेकर आता हूं, और ये जो रे मैं लेकर आ रहा हूं ये उन इनफाइनाइट रे में से कोई एक रे है, ठीक है, ऐसे ये। अब ये जो रे आई है ये इस सरफेस पर किसी एक पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको ओ से डिनोट किया मैंने। और जो ये रे आ रही थी इसका नाम मैंने रखा इंसिडेंट रे। इसका नाम मैंने क्या रखा? इंसिडेंट रे। ओके, अब हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जब भी कोई एक रे आएगी और किसी सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो जिस मीडियम में से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि ये जो सरफेस है इससे नीचे मान लो अलग मीडियम है, इससे नीचे मीडियम अलग है, इससे ऊपर अलग है। तो अब ये रे मान लो एग्जाम्पल के लिए एयर से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? एयर के थ्रू आ रही थी, तो इस जगह सब जगह एयर है, और इससे नीचे सपोज करो ग्लास है, तो यहाँ पर मीडियम एयर है और इससे नीचे ग्लास है। तो ये रे कहाँ से आ रही है, कौन से मीडियम में से आ रही है? तो आंसर है एयर में से। और फिर जब ये इससे टकराएगी तो स्ट्राइक करने के बाद फिर ये जब वापस जाएगी तो ये कौन से मीडियम में जाएगी? तो आंसर है एयर में से ही आई थी और एयर में ही वापस जाएगी। अब जब ये इसका आना और इसका टकरा कर इसको वापस चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इस वाली रे का जो हमने नाम रखा, हमने कहा ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद मिली है हमें, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ ये जो पॉइंट, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बना रहा हूं, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसको कहेंगे हमने नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल। जैसे ही बच्चों मैंने यहां पर एक लाइन खींची, कौन सी वाली लाइन? इस सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाने वाली लाइन, मतलब ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई नॉर्मल, तो वहां पर हमें दो एंगल दिखाई देने लग गए। कौन कौन से एंगल दिखाई देने लग गए? एक तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां पर एक एंगल बनना स्टार्ट हो गया, उस एंगल को हमने आई से डिनोट किया, और इस एंगल का नाम हमने क्या रखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम रखा हमने? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, एक तो एंगल ये बन रहा था और दूसरा एक एंगल यहां पर भी बनने लग गया, किस किसके बीच में? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल यहां पर बन रहा है। इस एंगल का हमने क्या नाम रखा? इस एंगल का नाम रखा हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम रखा हमने इसका, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये पूरा का पूरा फिनोमिना हमने लिख दिया, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है वो पूरा लिख दिया हमने। अब इसमें कुछ इसके भी लॉज फिर इससे लॉ बन गए। जब हम इसको बना रहे थे तो हमने एक खास बात ये देखी है कि ये जो इंसिडेंट रे बनाई गई है, ये जो नॉर्मल बनाया गया है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे बनाई गई है, यहां पर तीन रे हैं, एक नॉर्मल रे, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों ही रे एक ही प्लेन पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई है? एक ही प्लेन पर बनी हुई है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है ये अपने आप में क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन है। और प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मालूम मैं कह रहा हूं ये बोर्ड एक प्लेन है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई एक लाइन खींचने को दूं, जैसे मैं आपको बोलूं एक लाइन खींचकर दिखाओ बोर्ड पर, तो आपने एक लाइन ये खींची, ये लाइन बोर्ड पर खींची हुई है या बोर्ड से बाहर बनी हुई है? तो आंसर बोर्ड पर ही खींची हुई है आपने, ठीक है। अगर मैं कोई एक लाइन बोलूं कि आप एक लाइन ऐसी बनाकर दिखाओ,
तो क्या आप इस बोर्ड पर एक ऐसी लाइन बनाकर दिखा सकते हो? तो आंसर है नहीं बना पाओगे, है ना। आपसे मैं बोलूं कि एक ऐसी लाइन बनाकर दिखाओ तो वो तो आप ड्रॉ कर दोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं एक ऐसी लाइन खींच कर दिखाओ तो वो आप इस पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो जब आप ड्रॉ करने चलोगे तो वो पॉइंट से दिखेगा, मतलब एक लाइन ये बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस प्लेन पर लाई नहीं कर रही, इस प्लेन पर लाई नहीं कर रही। तो वो कहां पर लाई कर रही है? तो यहां पर एक प्लेन रहा होगा, अगर आप ऐसी एक लाइन खींचोगे तो वो उस वाले प्लेन पर खिंच जाएगी, यानी कि ये जो बोर्ड है ये ऐसे रख दिया जाए तो उस पर खिंच जाएगी ये लाइन, है ना। अगर मैं आपको बोलूं एक लाइन ऐसी खींच कर दिखाओ तो ऐसी लाइन तो आप खींच सकते हो इस पर, ये तो जितनी भी लाइनें इस बोर्ड पर खींची जा सकती हैं, जो इस बोर्ड से बाहर नहीं जा रही हैं, इस बोर्ड से अंदर नहीं जा रही हैं, है ना, वो सारी की सारी लाइनें इस बोर्ड पर खींची जा सकती हैं। और हम क्या कहेंगे कि वो सारी की सारी लाइनें इसी वाले प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। ये वाली बात क्लियर है? तो प्लेन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मेरा हाथ एक प्लेन है तो इस पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये एक लाइन खींच गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक लाइन ऐसी खींच कर दिखाओ तो देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, क्या ये इस पर आई? नहीं आई। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस प्लेन पर नहीं है, तो वो कौन से वाले प्लेन पर है? तो आंसर है इस वाले प्लेन पर। तो इस वाली लाइन के लिए ये वाला प्लेन, इस वाली लाइन के लिए ये वाला प्लेन। अब मैं कहूं एक लाइन ऐसी खींचो तो आप इस वाली लाइन के लिए ये वाला एक प्लेन, इस वाली लाइन के लिए ये वाला एक प्लेन, है ना। तो हर लाइन के लिए अलग अलग प्लेन है। अब जितनी भी लाइनें यहां पर खींची जा सकती हैं जितनी भी, वो सारी की सारी लाइनें क्या कहेंगे? इस वाले प्लेन पर लाई कर रही हैं। जितनी भी लाइनें इधर खींची जा सकती हैं वो सारी की सारी लाइनें हम क्या कहेंगे? इस वाले प्लेन पर लाई कर रही हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान से देखो, क्या मैंने इंसिडेंट रे को यहां पर बनाया है तो क्या इंसिडेंट रे बाहर की तरफ है, पूरी दिखाई दे रही है ना आपको? बाहर ऐसा तो नहीं है कि बाहर की तरफ निकल रही है? तो आंसर है नो। तो यानी कि इंसिडेंट रे पूरी टोटली यहीं पर है। रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल क्लियरली यहां पर बनाई जा सकती है और नॉर्मल वाली रे भी क्लियरली यहां पर बनाई जा सकती है। तो ये तीनों की तीनों रे इस बोर्ड वाले प्लेन पर बनाई गई हैं, यानी कि ये तीनों रे कहां पर लाई कर रही हैं? इसी प्लेन पर लाई कर रही हैं। अगर ये ऐसी बनाई जाए, एक दो तीन, तो ये इस वाले प्लेन पर लाई नहीं कर रही होंगी, वो इस वाले प्लेन पर लाई कर रही होंगी। समझ आ गई बात? तो नंबर वन जो हमारा लॉ है वो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों ही कहां पर लाई करते हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होते हैं। नंबर दो ऑब्जर्वेशन हमारा ये देखने को मिला है कि जब एक इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने ये देखा है कि यहां पर जब भी, जैसे ही हमने नॉर्मल बनाया तो यहां पर जो एंगल बना वो एंगल ऑलवेज इसके इक्वल आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में कैसे देखने को मिले हैं? इक्वल देखने को मिले हैं। तो ये हमने सेकंड लॉ बना दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द सेकंड लॉ। तो दो लॉ हैं, दोनों ही बिल्कुल आसान है। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन पर खींचे जा सकते हैं, यानी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और दूसरा लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? हम जानते हैं कि जब भी कोई भी एक रे किसी सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब वो स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां पर एक एंगल क्रिएट होता है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ अब क्योंकि हमने एक लॉ ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं, तो बच्चों अगर मैं इस वाले एंगल को कम कर दूं, अगर मैं इंसिडेंस वाला जो एंगल है ये कम कर दूं, मतलब मैं अपनी रे को यहां से भेजना स्टार्ट करूं ऐसे, अगर मैंने ये रे यहां से ना भेजकर ऐसे भेजी होती तो ये वाला एंगल बच्चों कम होता, आया ना, ये एंगल कम हो जाता। तो अगर ये एंगल कम होता तो फिर ये वाली जो रे जब वापस जाती तो ये भी कम एंगल से वापस जाती, तो इसका एंगल भी इतना ही बचता, आया ना, सही बात है। तो अगर इतना बड़ा एंगल होगा तो इतना बड़ा रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, अगर इतना एंगल होगा इंसिडेंस का तो एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल भी उतना ही होगा, छोटा होता जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये रे, जैसे जैसे इंसिडेंट रे किसकी तरफ बढ़ेगी? नॉर्मल की तरफ,
वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसे कम करते 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 कितना कम कर दिया हमने, तो आंसर है जीरो। हमने कितना कम कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो एंगल कर दिया, मतलब ये एंगल बिल्कुल खत्म कर दिया। इस बात का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ जो ये जो इंसिडेंस वाली रेट थी, ये मैं किसके ऊपर लेकर आ गया, नॉर्मल के ऊपर। तो जब इस रे को मैं नॉर्मल के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, यहां पर इस नॉर्मल के जस्ट ऊपर ये लाई करने लग जाएगी इंसिडेंट रे, कम होते 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 इधर आ गई, तो हमारी जो रिफ्लेक्शन रे थी वो भी इधर चल रही थी, तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, ये बात आई आपको समझ में? ये इधर जा रहा था तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाना शुरू कर दी थी, क्योंकि इधर एंगल कम होगा तो इधर भी एंगल कम होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये जाते जाते नॉर्मल के ऊपर से आई ऐसे, तो ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी इधर जाते जाते ये भी इसी के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर इंसिडेंट रे को नॉर्मल वाले पाथ से फॉलो कराया जाए, नॉर्मल वाले पाथ को अगर वो फॉलो कर रही है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी पाथ को रिट्रेस करती होगी। जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये जो कंडीशन है, ये एक स्पेशल नोट आपको याद रखना होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर उसे जीरो कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जीरो, इसे कम करते 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 कितना बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर लेकर आया जाए, तो ये एंगल छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और इसी के ऊपर आ गया, तो एंगल कितना हो चुका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो चुका। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तब उस केस में हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो चुका होगा, जीरो। तब हम ये कहेंगे कि वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है वो रिट्रेस करेगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का पाथ जो है वो रिट्रेस करेगी। ये क्लियर है यहां तक, ये वाली बात आ गई बच्चों समझ में, यस और नो? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो रे है यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ में ही वापस जाए, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो आंसर है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए उस केस में, जीरो होना चाहिए। ठीक है।